हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको किस प्रोजेक्ट की अपडेट देने वाला हूँ उसका आपको पता चल गया होगा टाइटल से। यस, इस वीडियो के अंदर मैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की अपडेट देने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। अभी इस एक्सप्रेसवे का जो काम चल रहा है वो चल रहा है फेज वन के पैकेज टू पे, वो भी ईस्टर्न पेरिफेरल के आसपास मंडोला विहार परियोजना से आगे की तरफ। यहाँ से काम स्टार्ट होता है तो मैं यहाँ से आपको ड्रोन शॉट से अपडेट देना स्टार्ट करता हूँ। इस साइड है सामने की तरफ मंडोला विहार परियोजना और यहाँ पे चल रहा है इस एक्सप्रेसवे का काम। और यहाँ पे देखने में ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो काम है एक्सप्रेसवे का वो रुक गया है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी काम कर रही थी गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, उसको यहाँ पे नोटिस दिया गया था क्योंकि उसने जितने पेड़ काटने की परमिशन थी उतने पेड़ नहीं काटे गए थे और एक्सप्रेसवे के रास्ते में आने वाले इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स को भी शिफ्ट नहीं किया गया था। तो मंडोला विहार परियोजना वाली साइड में यहाँ पे जो काम है वो काफी ज्यादा स्लो है। यहाँ पे जो वैसे काम चल रहा था वो चल रहा था पिलर्स की फाउंडेशन बनाने का, और लास्ट टाइम जब मैं आया था तो यहाँ पे सिर्फ एक पिलर की फाउंडेशन कंप्लीट हुई थी और ये ऊपर की तरफ यहाँ पे सरिया का जाल बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे अब दो पिलर की यहाँ पे सरियाओं का जाल बना दिया गया है। और आगे की तरफ ये मशीन यहाँ पे काम कर रही है और लास्ट टाइम ये यहीं पे खड़ी थी। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रोड एक्सपेंशन का काम कितना हो गया है। और यहाँ पे चल रहा है रोड के एक्सपेंशन का काम, और ये जो रोड के एक्सपेंशन का काम है रोड के दोनों तरफ चल रहा है, मैंने आपको लेफ्ट हैंड वाला ही दिखाया है। पहुंच गए ईस्टर्न पेरिफेरल के पास, यहाँ पे चल रहा है इस एक्सप्रेसवे का काम। और इससे पहले वाला जो एरिया था जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो यहाँ से कम 7-8 किलोमीटर पहले था, जहाँ पे 200-250 मीटर के एरिया में काम चल रहा था। और ये है एरियल व्यू यहाँ पे जो काम चल रहा है उसका, और लास्ट टाइम के कंपेरिजन से यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं हुआ है। यहाँ पे जो कंपनी काम कर रही थी वो काफ़ी ज़्यादा स्लो काम कर रही थी, तो पहले तो NHAI ने उसको नोटिस दिया काम तेज करने का, लेकिन काम में कोई तेजी नहीं आई। फिर NHAI ने डिसाइड किया कि इस कंपनी का जो टेंडर है वो कैंसिल किया जाएगा और नई कंपनी के टेंडर मिलने तक यहाँ पे काम रोक दिया जाएगा। और यहाँ पे जिस कंपनी को टेंडर मिला था उसके अकाउंट की जांच की गई तो पता चला NHAI ने जो 65 करोड़ रुपए उस कंपनी को दिए थे पहली किस्त के तौर पर, उसने उन पैसों को किसी अन्य प्रोजेक्ट्स में लगा दिया, इस कारण इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है। और यहाँ पे जो काम चल रहा था वो सारा यहाँ पे प्लस के अभी फाउंडेशन बनाने का काम चल रहा था, और बहुत सारे प्लेयर्स के यहाँ पे फाउंडेशन काम कंप्लीट हो गया था तो ऊपर की तरफ सरियाओं का जाल बना दिया गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक भी वर्कर आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा, तो यही कारण है यहाँ पे काम इतना स्लो चल रहा है। तो बस इस वीडियो करते यहीं पे खत्म। ये छोटी सी वीडियो थी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की। अब जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की वो होगी देहरादून साइड की, जिसके अंदर मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ देहरादून की साइड में कितना काम कंप्लीट हो गया है। और जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो होगी द्वारिका एक्सप्रेसवे के ऊपर। तो बस इस वीडियो करते यहीं पे खत्म। होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।